करना है, एक एक्सरसाइज बची, एक ही बची ना। अच्छा अगर अपन एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात करें तो नहीं करना है, इन्होंने ऐसा बोला है कि कोई भी नंबर, अगर बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है तो इनडायरेक्टली कभी कभी तो वो नंबर क्या हो जाता है आपका, इरेशनल, क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब कोई सा भी नंबर अगर मैं आपसे बात करूं तो डेसिमल फॉर्म में आपसे वो पूछ रहे हैं कि विदाउट लंबा डिवाइड कर आप कुछ नंबर्स के बारे में बताओ, क्या वो इरेशनल होंगे कि रैशनल होंगे, तो ऐसे में हमको उन नंबर्स के डिनोमिनेटर पे फोकस करना पड़ेगा, डिवाइड किससे होगा। अगर डिनोमिनेटर में कहीं भी ऐसा फॉर्म आ गया 2 की पावर n × 5 की पावर m तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो सर अभी हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं हम उसको कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करने वाले हैं किस चीज से, कि हम डिनोमिनेटर फोकस करेंगे जो कि आना चाहिए 2 की पावर n × 5 की पावर m अगर अपन बात करें। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया 13 upon 3125। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3125 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या ये 2 और 5 के मल्टीपल में आ रहा है क्या। अगर ये 2 और 5 में से किसी के भी मल्टीपल में आ रहा है इसका मतलब ये नंबर कहीं ना कहीं डिवाइड कर जाए, ठीक है ना। तो अब कुछ नहीं करना, इसका करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। जैसे अगर अपन इसको करके देखें तो बताओ कितना आ रहा है आपके पास, पहले अपन 7 8 5 से ही करें पहले शायद, तो 5 से करेंगे तो सर पहले ही मालूम पड़ गया 5 तो आ ही रहा है, तो 6 पे तुम्हारे पास कितना 2, फिर तुम्हारे पास कितना 5, वाओ फिर कितना 5, तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, तुम्हारे पास 1 2 5, फिर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 5, फिर कितना आ जाएगा 5, फिर 5 5 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 5 की पावर कितना 5। अगर ये 5 की पावर 5 आ रहा है तो भाई डिनोमिनेटर में अगर 5 कहीं ना कहीं है तो चीजों को डिवाइड तो कर जाएगा, इसका मतलब ये पर्टिकुलर नंबर आपका इरेशनल नंबर नहीं है, ये कहाँ पे आ जाएगा आपका रैशनल नंबर के अंदर, गेटिंग इट, कहाँ पे आ जाएगा आपका रैशनल नंबर के अंदर। तो सर ये पूरा क्वेश्चन आपका किस तरफ है, ये पूरा क्वेश्चन इसी तरफ है कि कहीं ना कहीं 2 का फॉर्म या 5 का फॉर्म रहे जिसमें आपको सारे क्वेश्चन को डिवाइड करना, तो सर इसमें आपको करना कुछ भी नहीं। जैसे आपके पास अगला क्वेश्चन क्या हो गया 17/8, तो अगर अपन 17/8 करेंगे तो अपना डिनोमिनेटर कितना है 8, तो क्या सर 8 में आ रहा है क्या 2 4 2 2 1, सही है, तो 2 की पावर कितना हो गया n, 2 की पावर कितना हो गया 3, तो ये भी क्या है आपका इनडायरेक्टली क्या आ जाएगा रैशनल, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास रैशनल, ठीक है। क्या अगर अपन बात करें आगे से, तो ये कितना हो जाएगा 64 upon 455, तो अगर अपन 455 को देखिए अगेन, ये देखते से बता रहा है कि ये 90 कितना 91 आई थिंक इज अ प्राइम नंबर, तो 91 से 91 क्या हो जाएगा, 91 नहीं प्राइम नंबर नहीं है, 91 आता है किसके टेबल में 13, 7 के टेबल में भी आता है और 13 के टेबल में भी आता है, तो ये 7 कितना 13 है शायद, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। मुझे तो कुछ मतलब ही नहीं, 5 आ रहा है ना, अगर 5 आ रहा है इसका मतलब ये क्या है आपके पास रैशनल, क्या है आपके पास रैशनल, तो सर अच्छी बात है। तो क्या इन चीजों को अपन कर सकते हैं क्या, तो करना शुरू करो पहले इसको, न्यूमरेटर से कोई मतलब, सिर्फ इससे मतलब है हमको डिनोमिनेटर, कर सकते हो क्या,